ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देशवासियों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश भर के लाभार्थी, अनेक मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण पवार और कांग्रेस से अजय माकन ने दाखिल किया नामांकन। और मुख्यमंत्री ने ब्राजील में आयोजित डेफलिंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित, लगभग 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए। नमस्कार, मैं ममता रानी, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया। और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण पवार और कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कृष्ण पवार ने भाजपा का उम्मीदवार चुने जाने पर पार्टी संगठन का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है और कांग्रेस एकजुट होकर यह चुनाव लड़ेगी। पूरी तैयारी है, 2 सीट है, एक कांग्रेस को आएगी, एक बीजेपी को जाएगी। वो तो सबकी वो है, प्रजातंत्र है, निर्दलीय भी आएंगे। अब जो चुनाव में होते हैं उसमें पता नहीं कितने खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए यदि 2 ही नामांकन भरे जाते हैं तो फिर चुनाव में वोटिंग की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों की आवश्यकता होती है, जबकि भाजपा के लिए 40 विधायक हैं। हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फॉर्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फॉर्म भरवाया है। अभी तक 2 फॉर्म भरे गए हैं, सायकल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई प्रस्तुति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदेश के एथलीटों को ब्राजील में हुए डेफलिंपिक्स के पदक विजेताओं को लगभग 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राजील डेफलिंपिक्स 2021 में 4 स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राज्य को स्पोर्ट्स हब के रूप में क्यों जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के 65 एथलीटों में से 15 राज्य से हैं।
हरियाणा के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की वित्तीय स्थिति में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है। कि हमारी सरकार के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है। हमको समाज की जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको सशक्त करना है, उसको मजबूत करना है, उसको देश की मुख्य धारा में लाना है, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। लाभार्थियों ने बताया कि कैसे इन योजनाओं से उनके जीवन में सुधार आने के साथ साथ उनके आर्थिक विकास के रास्ते भी खुले हैं। पहले चूल्हे चला से थे, अब चूल्हे तो छुट रहे हैं, काले बर्तन होते थे उन तो छुट रहे हैं, अब जो गैस चल दे दिया तो उससे कर रहे हैं हम। धन्यवाद मोदी ने जो ये करा, ये काम दिया हमको करके, दे दिया सिलेंडर। गुरुग्राम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण सम्मेलन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लाभार्थियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। लाभार्थियों ने कहा कि इन योजनाओं के तहत हर पात्र व्यक्ति अपना घर और स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल कर सकता है। लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के तौर के ऊपर खाते बैंक के अंदर खुलवाए गए, तो जो लाभार्थी थे उन सभी लाभार्थियों के अंदर सीधा पैसा चलता है दिल्ली से और सीधा उनके अकाउंट के अंदर आता है। बीच के अंदर जो खाने पीने वाले थे वो सारे के सारे एक तरफ हो गए। हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत नाम की जो स्कीम है, 5 लाख तक का फ्री मुफ्त इलाज किसी भी व्यक्ति का हो सकता है अगर वो स्कीम के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि कैसी भी बीमारी हो 5 लाख रुपये उसके कुटुंब को मिल जाएंगे। ये 60 करोड़ के करीब लोगों को इस चीज का फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत का सीधा प्रसारण अंबाला छावनी में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। देने की घोषणा कर दी 4,000 रुपये प्रति, ये है प्रधानमंत्री का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल, कि हर व्यक्ति का दिल प्रधानमंत्री के शरीर में गरीब का दिल धड़कता है। मैंने आयुष्मान कार्ड के थ्रू अपने लड़के का इलाज कराया सरकारी हॉस्पिटल में, और मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मेरा इलाज आसान हो गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अंबाला से लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने पंचकुला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला से प्रसारित संबोधन का सीधा प्रसारण सुना। पंचकुला जिले के लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं उन्हें सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं। पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सहारा दिया जाए, उसकी सहायता की जाए, और उसी को लेकर के बहुत सारी योजनाएं जो शुरू की गई हैं, आज 13 योजनाओं के बारे में जो हमने देखा कि किस प्रकार से गरीबों की सहायता के लिए 13 योजनाएं हैं, उनको यहां पर दिखाया गया। जो आज तक के बेनिफिशियरी रहे उसके ऊपर आज प्रकाश डाल रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने 8 वर्ष के अंदर उनकी जो भी योजना थी उसका दरवाजा गरीब के घर जाकर खुला। भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी शिमला से ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़े। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के तहत प्रदेश के 18,32,000 किसानों के खातों में 384,21,00,000 रुपये डाले गए। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भी शिरकत की। इस अवसर पर लाभार्थियों ने उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत मिल रहे लाभ के बारे में बताया। इस 6,000 रुपये साल से भी जो गरीब किसान हैं उनको बहुत सहायता मिली है, बहुत
दूर गरीबी से जूझते हुए किसान ऐसे भी हैं जिनके पास छोटी छोटी जोत है, कर्जे में दबे हुए हैं, खाद बीज के पैसे नहीं होते, उनको ये पैसा बहुत महत्व रखता है। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। जल जीवन योजना से बहुत ज़्यादा हमारे को फायदा हुआ है, और जो पहले से हमें जो टैंकर ले आते थे और जो हमारे जो बूढ़े व्यक्ति थे जो बड़े दुखी होते थे, परेशान होते थे नहाने के लिए, आज उनको इतना फ़ायदा हो रहा है कि ये जल जीवन योजना प्रधानमंत्री योजना से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पलवल में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। परिवहन मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में अनेक योजनाएं बनाई हैं ताकि पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर लाभार्थियों ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उन्हें जीवन यापन में सुविधा हो रही है। अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सरकार की तरफ आस लगा कर बैठा हुआ है और ये सोचता है कि सरकार की योजनाएं जो है वो कब तक हम तक पहुंचेंगी, ऐसे लाभार्थियों का एक प्रोग्राम आयोजन आज किया गया है और जन जन तक हमको भी पहुंचाना है। सरकार ने बढ़िया योजना चला रखी है जी, गरीब आदमी का गुजारा हो रहा है, अनाज ही मिल रहा है और 6,000 रुपए। कैथल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से जरूरतमंद लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। इस अवसर पर मौजूद लाभार्थियों ने कहा कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वे आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 8 साल कल पूरे हुए हैं उनके नेतृत्व में, तो 8 साल बड़े अच्छे खूबी से निभाए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हरेक लाभार्थी के लिए चलाई गई हैं और उन लाभार्थियों को उनका लाभ मिल रहा है। हमने श्री मोदी जी ने 10,000 से 30,000 का, 50,000 का, 2,50,000 तक का लोन देना। रेवाड़ी में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब कल्याण सम्मेलन समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की। जो पूरे साल के अंदर 6,000 किसान सम्मान निधि रिलीज करते हैं, वो भी 8-10,000 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि रिलीज की है, उनके डायरेक्ट खाते में दी है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि पहले जो सुविधाएँ मिलती थी वो कैश में मिलती थी और उसके अंदर भी इसमें बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन आज जो भी हमारी सुविधाएँ हैं सरकार की, जो भी योजनाएँ हैं, उनका लाभ सीधा टीवीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में जाता है, तो उसके अंदर किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, इसमें गैस चूल्हा सिलेंडर फ्री मिला है। मुझे मैं प्रधानमंत्री का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। नारनौल लघु सचिवालय स्थित सभागार में आज केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर शिमला से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित लाभार्थियों ने देखा और सुना। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन खुश और संतुष्ट है। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों ने इन योजनाओं को लेकर अपने अनुभव साझा किए। लाभार्थियों से जो बात की, लोग बड़े खुश है, उनको उन स्कीमों का भरपूर लाभ मिला है और अनेक प्रकार की स्कीमें निर्बाध रूप से इसी प्रकार से आगे भी प्रदेश में चल रही हैं, देश में चल रही हैं और हम आदरणीय मोदी जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने ऐसी कल्याणकारी स्कीमें आम गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, कुचले के लिए ये चलाई और लोगों को उसका लाभ हुआ, देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो प्रधानमंत्री ने चलाई वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। जब हमें ज़रूरत समझते हैं कि भाई आज हमें पैसे की ज़रूरत है, उसी समय 2,000 की किस्त आ जाती है, 10 किस्तों से भी ज़्यादा हम मिल चुके हैं, 10 मिली मिल चुकी है और 2,000 रुपये जो आती है और जो 6,000 रुपये साल की आती है, बड़े ही अच्छे मतलब काम की चीज़।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लाभार्थी प्रधानमंत्री के संबोधन से सीधे जुड़े। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर गरीब वर्ग मुख्य धारा में शामिल हुआ है और देश के विकास को गति मिली है। गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गांव, किसान, महिला, युवा, सभी के हित के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, आज इस गरीब कल्याण सम्मेलन के अंदर उन सब बातों को चर्चा की है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे उजाला योजना है, और चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। आज 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को उनके खाते में 21,000 करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस्त जारी की है। मेरे मकान बहुत कच्चे थे और बारिश के मौसम में वो पानी भर जाता था। अब प्रधानमंत्री की स्कीम से मेरे मकान पक्के बन चुके हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8 साल सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। सम्मेलन में मौजूद लाभार्थियों ने इन सभी योजनाओं की सराहना की। और ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने काम किया। हर तबके के लिए प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने काम किया। हर तबके के लिए अलग अलग योजनाएं थी। मेरे ख्याल देश में कोरोना की महामारी में मैं कहता हूं कि भी कम से कम, मतलब जो है, भुखमरी से कोई नहीं मरा। 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर पर्सन, जो 5 किलो अनाज जो है उसमें मिला। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। आयुष्मान लाभ मिला था मुझे। मैंने अपनी मदर का आंखों का ऑपरेशन करवाया था, उनको मोतिया था आंख में, तो राठी आई हॉस्पिटल से करवाया था, तो जो भी खर्चा आया था वो आयुष्मान के तहत कट गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। करनाल के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सांसद संजय भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 100% लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि कोरोना काल में इन योजनाओं से वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो पाए। प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच थी, उनको उस बात का ध्यान था कि जो 1 रुपया घिसते घिसते 15 पैसे गरीब की जेब में पहुंचता है, अब 1 रुपया केंद्र से चलता है और 1 रुपया ही गरीब के खाते में पहुंचता है। जैसा एक सबसे बड़ा उदाहरण, आज एक क्लिक के अंदर 10 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा सीधा एक बटन से हमारे बैठे बैठे हम सबके सामने पहुँचा। गरीब कल्याण योजना से हमें लाभ हुआ है। जैसे हमारा BPL कार्ड है जी, उससे हमें हर महीने मुफ्त राशन मिलता है जी, और भी लाभ मिला जी हमने। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से भी हमें लाभ हुआ जी। जैसे हमारा कच्चा मकान था जी और बारिश में पानी भर जाता था जी, तो इससे भी मेरा पक्का मकान हो गया जी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, देशवासियों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम से जुड़े प्रदेश भर के लाभार्थी, अनेक मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण पवार और कांग्रेस से अजय माकन ने दाखिल किया नामांकन। और मुख्यमंत्री ने ब्राजील में आयोजित डेफलिंपिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित, लगभग 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।